अच्छा जी, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस हम थोड़े से पढ़ेंगे डिटेल में आज, थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू है। कहते हैं फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। अच्छा जी, आप वैसे कोई भी कोड अपना लिखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो आपके एक दफ़ा आपने एग्जीक्यूट कर लिया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि उसने कितने ने चलना है और कितने ने नहीं चलना। वो सारा का सारा जो लिखा हुआ है उसने चलना ही चलना है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि आप चाहते हैं कि कोड है और वो हम लिखें और जब चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहें तो उसे कॉल करें, तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं फंक्शंस बना के, ठीक हो गया। दूसरा इसका काम क्या है कि जब आपको ये लगता है कि अच्छा आपको कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, तो बजाय कि आप उसे बार बार लिखने के आप उसे एक ब्लॉक बना के जिसे हम फंक्शन कहते हैं रख देते हैं और जब जरूरत पड़ती है उसे कॉल कर देते हैं, बजाय कि आपको बार बार उसको रिपीट करना पड़े। दो बेसिकली इंपॉर्टेंट यूज है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू फंक्शन। फिर आगे एक फंक्शन अभी हम जो देखेंगे उसके बाद हम आगे देखेंगे। फंक्शन में आप कुछ वैल्यूज, कुछ बेसिक वेरिएबल्स पास कर सकते हैं जिसके थ्रू आप उसके अंदर ऑपरेशन करवा सकते हैं। हम देखते हैं किस किस्म फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टन एक्शन एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर री यूजिंग कोड। जैसे मैंने बताया कि कोड री यूजेबल, एक दफ़ा बनाया बार बार यूज़ किया। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, ठीक है। ये बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट जो है ना उसके फैक्टर्स हैं जो कि फंक्शन के लिए जरूरी। अच्छा जी, सी प्लस प्लस प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड फंक्शन सच एज मेन। आपका जो मेन है वो बेसिकली फंक्शन ही है, वो प्री डिफाइंड है, पहले से है, लैंग्वेज वालों ने बना दिया, अब आपको यूज़ करना पड़ता है। जो हम ज़्यादा फोकस करते हैं या हम दो किस्म के फंक्शन हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन है वो जो कि बनाए गए हैं, जैसे कि आपको याद हो हमने शायद डिस्कस किया था स्केयर रूट, ठीक है, इस तरह का मैथ लाइब्रेरी ऐड करके हमने कुछ एक दो और फंक्शन देखे थे, तो वो बिल्ट इन थे, बने बनाए थे, हम उन्हें कॉल करते थे। यूज़र डिफाइंड है वो जो हम बनाते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कॉल करते हैं। तो विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट कोड बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ऑन फंक्शन टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस। टू क्रिएट ऑफन रेफर टू एज डिक्लेयर अ फंक्शन, स्पेसिफाई द नेम ऑफ फंक्शन फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। अच्छा, ये फंक्शन का सिंपल सा सेंटेक्स है, ये जो लिखा हुई है इसे रिटर्न टाइप कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड लिखी हुई है, वर्ड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ प्रिंट तो करवा सकता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकता। कुछ भी अंदर सिस्टम करा सकता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकता, और ये उस फंक्शन का नाम है। यहाँ पे माई फंक्शन लिखा हुआ, कोई भी नाम लिख सकते हैं, साथ पैरेंथेसिस आएंगे और फिर ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ये इसकी बॉडी होती है जहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये फंक्शन करेगा क्या, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखें तो यहाँ पे इसने भी बताया कि माई फंक्शन इज द नेम ऑफ फंक्शन, वर्ड मीन दैट द फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। यू ये हम देखते हैं, इनसाइड द फंक्शन द बॉडी एंड कोड दैट डिफाइन व्हाट फंक्शन कुड बी। कॉल अ फंक्शन क्या है जी, एक दफ़ा फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना है, तो डिक्लेयर फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, यानी कि ऐसे खुद ब खुद नहीं हो जाएंगे, आपको उनको कॉल करना पड़ेगा। दे आर सेव फॉर द लेटर यूज एंड विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड। कॉल अ फंक्शन, राइट द फंक्शन नेम फॉलोड बाई टू पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलन। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉल कैसे होना है, डिफाइन कैसे होना है। तो आप ये देखें कि बेसिकली मेन के ऊपर बना लें या मेन के बाहर बना लें। बेसिकली फंक्शन जो है डिफाइन होता है या मेन के बाहर, इस ब्रैकेट की मेन जो मेन की है, या ऊपर या नीचे होगा, ठीक है। अब ऊपर हुआ होगा तो जी आपने लिखा void my function parentheses और ब्रैकेट में लिखा। अब आपने सिर्फ इस फंक्शन में कोई काम नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे सी आउट करवाया कि आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, मैं एग्जीक्यूट हो गया, ये फंक्शन बन गया। ये इसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप का मतलब है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, देखिए सिर्फ सिंपल सी आउट करवा रहा है। और माई फंक्शन उसका नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट अंदर इसकी बॉडी में आपने लिख दिया सी आउट आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अब आया मेन पे, मेन पे आप देखें इस फंक्शन का बस नाम लिखा है और ये कॉल हो गया। अगर इसको हम एग्जांपल को रन करके देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कॉल हुआ और इसने ये प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसको कॉल नहीं करता, मैं इसे कॉमेंट कर रहा हूँ, ये मुझे एडिट नहीं करने दे रहा, लेकिन अगर आप इसे कॉमेंट कर देंगे तो ये बेसिकली शो नहीं होगा, क्योंकि ये कॉल नहीं हुआ तो ये शो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसकी डिक्लेरेशन, सॉरी हाँ, और ये जो है ये डिक्लेरेशन है, और ये जो आपकी ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड आएगा ये डेफिनेशन होगी। जैसे कि पीछे में देखें तो ये डेफिनेशन थी, डेफिनेशन का मतलब अंदर करेगा क्या, और ये देखिए मल्टीपल टाइम इसे कॉल कर लिया। अच्छा,
उसके बाद जी, इफ़ ए यूजर डिफाइंड फंक्शन सच इज माई फंक्शन डिक्लेयर विद द मेन फंक्शन एंड एरर विल बी ऑकर इट बिकॉज सी प्लस प्लस वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम विच मीन दैट इफ द फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर अबव मेन द प्रोग्राम इज अनअवेयर। तो कहते हैं मेन के अंदर भी आप वैसे बना सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका है कि ये टॉप से नीचे तक वो उसको कंपाइल करता है, तो पहले मेन से ऊपर लिख लें, कहीं में नीचे लिख लें तो कहीं में ऊपर लिखें तो इशू आता है। तो आप दोनों जगह ट्राई कर सकते हैं कि फंक्शन ऊपर डिफाइन करना है या नीचे डिफाइन करना है। So, how it is possible to separate declaration function definition of the function, we will see C++ program that have function definition above main and function definition below main. अच्छा जी, एक चीज़ इसमें है प्रोटोटाइप, ये अभी इसने जो बात की है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें इसने कॉल यहाँ पे कर दी है और डिफाइन इधर कर दिया है, लेकिन ये एरर है, लेकिन हर जगह ये एरर नहीं आता। दूसरी इसने पॉसिबिलिटी क्या बताई है, ये जो लिखी हुई है ना ये चीज़, आपने रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम लिख दिया मेन से पहले, इसे कहते हैं प्रोटोटाइप, यानी कि आपने आइडिया दे दिया कि भाई इस तरह का फंक्शन होगा और डिफाइन उसे नीचे कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, ज़रूरी को नहीं करना, ठीक है, आप इस जगह पे ही पूरा फंक्शन की डेफिनेशन भी कर दें, डिक्लेरेशन भी कर दें, लेकिन ये भी कर सकते हैं कि ये आपने डिक्लेरेशन यहाँ कर दी और फिर डेफिनेशन यहाँ पर कर, लेकिन ये दो दफ़ा लिखना पड़ा आपको, वर्ड माई फंक्शन और यहाँ पर आपने सिर्फ सेमी कॉलम में लिख दिया, तो ये भी काम चल सकता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है सिंपल सी है जी, आपने वर्ड माई फंक्शन लिखा, यहाँ पे फंक्शन का नाम माई फंक्शन लिखा, कॉल हो जाएगा। उसी बात हम देखते हैं जी फंक्शन पैरामीटर, बल्कि फंक्शन पैरामीटर से पहले सिंपल था ये तो, लेकिन फिर भी किसी को भी प्रॉब्लम, तो आप देखें सारे नाम ये रेफरेंसेस उसने अंदर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो क्या हुआ जी, फंक्शन बनाया, अंदर एक वेरिएबल पास किया स्ट्रिंग जिसे हम पैरामीटर कहते हैं या आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और नीचे डेफिनेशन में ये हमने लिखा कि अगर ये जो एफ नेम की जो भी वैल्यू होगी उसे प्रिंट करवा दो, और ये भी जो लिखा हुआ है इसको भी प्रिंट करवा दो। जब हम इसे कॉल करेंगे माई फंक्शन, अगर आप बगैर स्ट्रिंग के कुछ अंदर लिखे बगैर कॉल करेंगे तो एरर देगा कि आप जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर आप यहाँ पे वन पास करेंगे तब भी एरर देगा आपको, अगर इन वन के सराउंडिंग पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर खाली वन लिखेंगे इसका मतलब वो एक इंटीजर है, तो यहाँ पे तो आपने बताया कि आप स्ट्रिंग पास करेंगे, तो इस वजह से उसने माई फंक्शन कॉल किया, ये पहला फंक्शन कॉल हुआ, ये कॉल होने का मतलब है ये इधर पहुँचा, इधर उसने देखा एफ नेम को एक वैल्यू दी गई है, एफ नेम का वैल्यू दी गई है लाइम, और यहाँ पे उसने जब इसको सी आउट एफ नेम किया तो वो लाइम को शो करवा दिया। सेम ऐसे ही ये कॉल हुआ, ये इधर गया, एफ नेम की वैल्यू जेनी उसको असाइन हुई, और जब ये सी आउट करवाया तो जेनी शो हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर भी पास कर सकते थे, डिपेंड करता है आपका फंक्शन कर क्या रहा है, आपका फंक्शन ऐड कर रहा है, आपका फंक्शन माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, खाली कोई चीज़ प्रिंट करवा रहा है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा चाहिए होता कि कोई फंक्शन है और उसकी वैल्यू आपको चाहिए जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है प्लस करके, तो यहाँ पे आप इंटीजर लिख लेते हैं, ठीक है, और सी आउट आप यहाँ पे सी आउट लिखते तो आपको वो वैल्यू शो करवा देता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट करवाना तो कोई रिटर्न टाइप नहीं, वो वॉइड रखी हुई है। अच्छा वैल्यू है, तो यानी कि जो पैरामीटर फंक्शन के ऊपर आपने एफ नेम दिया वो पैरामीटर, और जो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं जब उसे कॉल कर रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस किया उसने, कहा जी स्ट्रिंग कंट्रीज इक्वल टू नॉर्वे कर दी। इसे आप कहेंगे जी आपने डायरेक्ट असाइन कर दिया या आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी पैरामीटर को। तो अब आप अगर तो यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो आपको नॉर्वे प्रिंट करवा देगा, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू पास करेंगे तो उसको नई वैल्यू असाइन हो जाएगी तो वो स्वीडन करा देगा। इसके आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कर रहा है। तो पहला फंक्शन देखे जी, स्वीडन पास हुआ, यहाँ पे गया कंट्री को स्वीडन असाइन हुआ, उसने शो करवा दिया स्वीडन आ गया, अगली में इंडिया, इस वाले में कोई वैल्यू नहीं दी। अगर ये यहाँ पे ये चीज़ ना लिखी होती तो ये एरर था, क्यों, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं उसके पास। तो अब आपने ये चीज़ लिख दी है तो अब ये एरर नहीं लेगा, ये नॉर्वे बाय वैल्यू नहीं देंगे तो नॉर्वे प्रिंट करा देगा, यूएसए वाले में उसने यूएसए प्रिंट करवा दिया। पैरामीटर शो करवा रहा है जी, मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे करने हैं ये देखें जी, एफ नेम भी डाल दिया साथ एज भी डाल दी और उसे प्रिंट करवा दिया। जब उसे कॉल किया तो अब यहाँ पे अगर एक मैं पैरामीटर पास करूँगा तब भी एरर देगा कि यहाँ पे दो हैं आपने एक क्यों किया होगा। तो यहाँ पे
नाम एज कॉल किया, यहाँ पे गया, उसने उसको एफ नेम की वैल्यू असाइन की जो पहले नंबर पे है, और एज को एज की वैल्यू असाइन की जो कि दूसरे नंबर पे है, और उसने वो प्रिंट करवा दिया, और ये आपको ये वाला प्रिंट शो करवा देगा। नोट, व्हेन यू आर वर्किंग विद मल्टीपल पैरामीटर द फंक्शन कॉल मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट। यही बात जो मैंने अभी की है, पैरामीटर दो हैं तो आर्गूमेंट भी दो होने चाहिए। पैरामीटर क्या है, जो वेरिएबल यहाँ पे असाइन है, आर्गूमेंट क्या है, जो उनकी वैल्यू है, तो जितने पैरामीटर उतने वेरिएबल्स, ठीक हो गया। रिटर्न वैल्यूज इंशाल्लाह कल करेंगे, इसमें कोई मसला है तो बता दो। तो जैसी डेटा टाइप वैसा आर्गूमेंट पास करें, आप यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप लिख लें, यहाँ पे देखें इंट लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग लिख लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता, तो अपनी मर्जी आप। अब इसकी समझने के लिए तरीका क्या है कि मसाल तौर पर हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड का, तो यहाँ पे इंट ए लिखेंगे, यहाँ पे इंट बी लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सी आउट ए प्लस बी। जब इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पे वन लिखेंगे, यहाँ पे टू, तो वो ऐड करके हमें बता देगा, यहाँ पे थ्री फोर, यहाँ पे टेन हंड्रेड, जितना भी लिखेंगे। तो इस तरह का ऐड का फंक्शन बना सकते हैं, सब ट्रैक का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन बना सकते हैं।